हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। बिहार में खनन माफियाओं का मनोबल काफी बढ़ चुका है। इसका उदाहरण आए दिन सामने आता रहता है। नया मामला किशनगंज जिले के चमरानी बालू घाट का है, जहां बालू माफियाओं ने खनन विभाग के कर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना बीते 5 दिसंबर की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बालू माफियाओं ने किस तरह से पुलिस जवानों पर हमला किया। बताया जा रहा है कि खनन कर्मियों की टीम जब जांच के लिए चमरानी घाट पर पहुंची, तो अचानक बालू माफियाओं ने टीम पर हमला बोल दिया। खुद को बचाने की कोशिश करते खनन कर्मियों का ऐसा हाल हो गया कि वो रोने लगे। खनन कर्मी जब जांच के लिए पहुंचे तो गाड़ी और अधिकारियों को देखकर खनन करने वाले अपने ट्रैक्टर छोड़कर भाग गए। तब टीम ने इसकी जानकारी वरीय अधिकारियों को दी, लेकिन इसी बीच 21 लोग वहां पहुंच गए और गाली गलौज करते हुए खनन विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। मामले में FIR दर्ज हो गई है और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। वर्दीधारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना और जख्मी सुरक्षा कर्मियों का रोना, सब कुछ इस वीडियो में साफ दिख रहा है। वीडियो काफी वायरल भी है। तो क्या सूबे की सरकार इस दिशा में कोई सख्त कदम उठाएगी या फिर ऐसी घटनाएं सामने आएंगी?